अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वान चीमा। आई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी वॉकिंग टेल सीरीज़। और इस सीरीज़ की 8वीं एपिसोड है, 8वां व्लॉग है। इसमें आपको बताऊंगा जो लाहौर स्मार्ट सिटी में सेक्टर तैयार हुआ है उसमें जो कनाल के प्लॉट्स हैं और जो भी मेम्बरान अपने प्लॉट्स का पोजेशन लेना चाहते हैं उसकी जो पॉलिसी है और ओवरऑल जो डेवलपमेंट का स्टेटस है उस हवाले से बताऊँगा। इस वक्त मैं स्ट्रीट फर्स्ट पर मौजूद हूँ, स्ट्रीट वन पे। ये C1 रोड है और C1 रोड के साथ इस तरफ जो प्लॉट्स हैं हाफ प्लॉट्स होंगे जिनका पोजेशन दूसरी तरफ होगा, यानी मेन रोड की तरफ इस तरफ, और हाफ प्लॉट्स होंगे जिनका पोजेशन इस साइड पे होगा, यानी इस रोड पे। इस रोड पे डेवलपमेंट का स्टेटस ये है कि स्ट्रीट की कारपेटिंग हो चुकी है, जो फुटपाथ्स हैं वो बन चुकी हैं, हर घर के सामने जो प्लांटेशन है, जो ट्रीज़ वगैरह लगाए जाने हैं वो लग चुके हैं, और जो सीवरेज काम या मेन होल्स का काम है वो कम्प्लीट ऑलरेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्ट्रीट पर इससे जो एडजेसेंट स्ट्रीट्स हैं, बेसिकली शुरू की जो 3 स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2 एंड ये स्ट्रीट 3 जिसमें वॉक कर रहा हूँ। अब इस स्ट्रीट पे इन तीनों स्ट्रीट्स का जो पोजेशन, यहाँ पे सिर्फ प्लॉट्स रखे गए हैं, यहाँ पे विलाज नहीं बनाए जाएंगे। इस स्ट्रीट पे ये जो मेन रोड है इस पे हाफ साइड पे होंगे विलाज, यानी फ्रंट साइड जो मेन रोड फेसिंग होंगे वहाँ विलाज होंगे, और बैक साइड पे आई थिंक प्लॉट्स ही दिए जाएंगे। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई लाहौर स्मार्ट ने उन्होंने प्लॉट लिया तो हमने पोजेशन लेना है तो हमारे लिए पॉलिसी क्या होगी। लाहौर स्मार्ट ने प्लॉट लिया है, पोजेशन लेना अगर आपने, तो पॉलिसी कुछ यूँ काम करेगी, अगर आपने प्लॉट 100% पेमेंट के साथ बुक करवाया है, यानी अगर आपने 55 लाख वाली फाइल ली थी 10% डिस्काउंट के साथ, आपने 49,50,000 की फाइल ली किनाल की, या 66 लाख वाली फाइल की 10% डिस्काउंट के साथ आपको 59,50,000 की पड़ी, या 59,40,000 की, वो जो फाइल है उसका आप पोजेशन ले सकते हैं। उन फाइल्स के मेम्बरान को प्रायोरिटी पे यहाँ पे 100% पेमेंट वालों को पोजेशन ऑफर किया जाएगा। ये जो आपको पानी का तालाब नज़र आ रहा है, बस तालाब नहीं, ये बरसाती पानी है, और ये हर स्ट्रीट की जो एलिवेशन है जो प्लॉट्स हैं उनके साथ ज़्यादा रखी गई है, यानी जब आप घर बनाएंगे तो आप जो प्लेंथ बीम है, जो घर का मेन बीम होता है, वो आप ग्राउंड लेवल से तकरीबन 1-1.5 फुट ऊपर रखते हैं, यानी रोड से ऊपर रखते हैं, तो तब ये बिल्कुल जब कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे तो काम बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें मस्ट होती हैं। अब इस स्ट्रीट पर भी हाफ स्ट्रीट जो है ये विलास के लिए है, और इस स्ट्रीट पर भी हाफ स्ट्रीट जो है वो विलास के लिए रिजर्व होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ आपको जहाँ पे ईंटें वगैरह पड़ी हुई नज़र आ रही हैं ये सारी विलास के लिए होगी, और ये अभी यहाँ पे रिसेंटली जो कारपेटिंग हुई है इस रोड पे उसकी मशीन्स अभी यहीं खड़ी हुई हैं, आगे मूव कर जाएंगी, और इस साइड पे जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उस वाले सब देख सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी एक्सेस की बात अगर करें, लोकेशन की बात, इस कनाल के प्लॉट्स के बारे से, एक रोड ये है जहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, दूसरी साइड पर ये रोड आता है, यानी आप जहाँ से एक्सेस ले सकते हैं आपको GT रोड से जो एक्सेस मिलेगा वो इस पॉइंट से मिलेगा, और ये साइड पर रेलवे लाइन है। एक तो आपको रेलवे लाइन का शोर नहीं मिलेगा यहाँ से, शुरू में कमर्शियल प्लॉट्स होंगे वो ज़्यादातर शोर वहीं अब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेस वाइज बड़ा इजी बनता है, और दूसरी बात जो है एक्सेस वाइज ये आप ईस्टर्न बाईपास से, अपने घर से ईस्टर्न बाईपास को बड़ा इजीली देख सकते हैं। ये सामने ईस्टर्न बाईपास है और ये 7 रोड बन रहा है। ये इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस है कनाल के प्लॉट का, जो मैंने स्ट्रीट्स पर जितनी विजिट की हैं, और ये ब्लॉक नंबर 8 था, यानी 8वां ब्लॉक था वॉकिंग टेल्स का, यानी स्ट्रीट्स पर चल के जो डेवलपमेंट हो रही है उस वाले से बताने का। तो मैं ट्राई करूँगा आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह इस तरह सीरीज़ बनाऊँ कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी और डिफरेंट सोसाइटीज़ की वॉकिंग टेल्स। ये क्योंकि आज मैं साइट पर जब आया था तो धुंध बहुत ज़्यादा थी, यानी फॉग कह लें काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप ड्रोन से एरियल व्यू इतना अच्छा नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं वॉकिंग टेल्स रिकॉर्ड करूं ताकि जितनी अच्छी वीडियोस बना सकूं साइट के हवाले से, यानी जिन मेम्बरान ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है लाहौर स्मार्ट सिटी में या कैपिटल स्मार्ट सिटी में, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर फॉलोअप मिलता रहे। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हवाले से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।